वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का लेक्चर थर्ड है। राउल्ट के लॉ की एप्लीकेशन को देखा गया, राउल्ट के लॉ की एप्लीकेशन को थोड़ा और बढ़ाते हैं। जी हाँ, आज हम ऐसे भी केसेस लेंगे कि सोल्यूशन में जो सॉल्यूट है, पिछले वाले में नॉन वोलेटाइल था, इस वाले में वोलेटाइल रहेगा। जी हाँ, सॉल्यूट भी वेपराइज होगा तो क्या होगा। लेकिन पहले केस फर्स्ट में ही कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें सॉलिड के मॉलिक्यूलर वेट निकालने होते हैं और वो जल्दी सॉल्व नहीं होते जब तक सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स को अप्रॉक्स सॉल्वेंट के बराबर ना कर दो। इसका क्या मतलब? सॉल्यूट का मोल बहुत कम है क्या? हाँ, कब होगा? जब हमारा सोल्यूशन क्या होगा? एक्सेस डाइल्यूट होगा। तो आज उसी केस को हम लोग थोड़ा देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो रिलेटिव लोअरी इन वेपर प्रेशर है, जिसको डेल्टा पी अपन पी नॉट से लिखा जा रहा है, वो क्या था? राउल्ट के लास्ट प्रूफ हुआ था कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज सच इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? अरे कंपोनेंट दो है, एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, तो उसका मोल ले लेते हैं और उसके मोल में टोटल मोल से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। अब चूंकि टोटल मोल क्या होगा, तो सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल। जी हां, और पहले यहां पे क्या है, क्योंकि हमारा सोल्यूशन कैसा है, एक्सेस डाइल्यूट है, ऐसा कहेगा नहीं, बट कंसंट्रेशन बहुत कम होगा। यह अभी कभी ऐसे देखेंगे किसको जब इसे कंपेयर में निगलेक्ट रखेंगे तभी सॉल्व हो पाएगा इजिली। तो वहां पे हम मान लेंगे एक्सेस डाइल्यूट होगा, और एक्सेस डाइल्यूट जब होगा तो सॉल्यूट के मोल कम होंगे किससे? सॉल्वेंट से। और जब ऐसा होगा तो यंग जो टोटल है, जो यंग सॉल्यूट प्लस यंग सॉल्वेंट के समेशन से निकाला जा रहा है, वह अप्रॉक्स एंड सॉल्वेंट के होगा। बात समझ में आ रही है? तो नंबर ऑफ टोटल मोल की जगह हम लोग यंग सॉल्वेंट लिख सकते हैं। तो यहां पर वीडियो को समझे, ये था वैल्यू, यही फार्मूला है, लेकिन कभी कभी अप्रॉक्स निकालना पड़ जाता है। जी हाँ, क्वेश्चन अभी देख के अंदाजा लगेगा, एन टोटल का मतलब एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, लेकिन अगर एक्सेस डाइल्यूट हो गया, एक्सेस डाइल्यूट कब होता है? डाइल्यूट मैंने बताया था कंसंट्रेशन में, जब सॉल्यूट के मोल क्या बहुत कम हो, और जब बहुत कम होंगे सॉल्यूट पे सॉल्वेंट को जोड़ने पर विशेष फर्क नहीं आएगा, टोटल सॉल्वेंट के बराबर होगा, तो फिर ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP जो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, इसको लिख सकते हैं यंग सॉल्यूट अपॉन एंड सॉल्वेंट। जी हाँ, कभी कभी फार्मूले को ऐसे अप्लाई करना पड़ जाता है। देखते हैं क्वेश्चन, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये पार्ट थर्ड है, ओके तो क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, 6% ग्लूकोज सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन है? ग्लूकोज सोल्यूशन, 6% ग्लूकोज सोल्यूशन है,
का वास्ताव्य अवलंबन किस टेम्परेचर पे? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वास्ताव में अवलंबन 0.25 टार है, पसंदारी तब ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है, मॉलिक्यूलर वेट भी पता है, लेकिन हम लोग कैलकुलेट करना है ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर वेट यानी अनुभार। कैलकुलेशन कीजिए पास हो जाएगी। तो ग्लूकोज का सोल्यूशन 6% बनाया गया किस टेम्परेचर पर? 25 पर। ग्लूकोज हमारा नॉन वोलेटाइल है, नॉन आयनाइज भी है, घोल दिया गया वाटर में, वेपर प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा सोल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट से। कितना घटा? 0.25। तो बताओ ग्लूकोज के अणु भार की गणना करो। एक चीज तो पता ही है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर होता है उसका वेपर प्रेशर कितना होता है? जी हाँ, 24 टार, ये तो पता है। और जब ये पता है तो हम लोग फार्मूला क्या लगाए? तो 6% है ग्लूकोज, डाइल्यूट ही माना जाएगा। 6% ग्लूकोज, डेंसिटी नहीं गिवन है, और दोनों का मोल चाहिए, वेट अपन वेट पे लेंगे। इसका मतलब 6 ग्राम, जी हाँ 6 ग्राम ग्लूकोज घुला होगा कितने में? 100 ग्राम जल में। कंसंट्रेशन में क्लियर रहेगा तो मैंने कहा था ना कि हर क्वेश्चन प्रॉब्लम करेगा, जहां जहां सोल्यूशन कहीं दे देगा वहां प्रॉब्लम करेगा, इसलिए पहले कंसंट्रेशन क्लियर करो। 6% ये W/W की बेना है, इसका मतलब 6 ग्राम ग्लूकोज घुला है 100 ग्राम वाटर में। बात समझ में आ रही है? दोनों के अमाउंट पता चल गए तो दोनों के मोल भी पता चल जाएंगे। क्वेश्चन को मैं इरेज कर दे रहा हूं। ग्लूकोज के मोल, ग्लूकोज के अमाउंट, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो यही है ना, 12 × 72, 12 × 12, 16 × 96, टोटल ऐड कर लो 180 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, 180 ग्राम, यानी कितना आ गया 1/30। ये ग्लूकोज का मोल आ गया, यही तो सॉल्यूट है, एंड सॉल्यूट वैसे हमें चाहिए नहीं कि मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, और मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन क्या था? क्वेश्चन में हम लोगों को मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का यही निकालना है। तो यंग सॉल्वेंट निकाल लेते हैं, यंग सॉल्वेंट कैसे निकलेगा? सॉल्वेंट का अमाउंट अपॉन सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट, और सॉल्वेंट का वेट कितना है? 100 ग्राम, और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम। ये हो गया, क्योंकि हमें पता है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। एंड सॉल्यूट नहीं चाहिए, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो ये सॉल्यूट और ये किसका मॉलिक्यूलर वेट? भी सॉल्यूट का, मात्रा बटे अणु भार तो मोल होता है, और ये कितना है सॉल्वेंट का? डेल्टा पी की वैल्यू कितनी गिवन थी क्वेश्चन में? क्वेश्चन देखो, डेल्टा पी यानी वेपर प्रेशर कितना घट गया था, लोअरिंग कितना हुआ था 0.25 mm,
और वाटर का होता है कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 स्टार। अब देखो ये अमाउंट कितना था 6 ग्राम, और ये आपको बताना ये 18 ऊपर गया 100 नीचे। हमें मॉलिक्यूलर वेट चाहिए 6 × 18 × 24 / 0.25 × 100। जी हां, इसको साल्व कर लेंगे मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। डेटा गलत है तो मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा गलत आएगा, जी हां, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे ऐसे ही, क्योंकि अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट पूछ लिया तो डायल्यूट सॉल्यूशन देके जनरली पूछता है, और जब यंग सॉल्वेंट को आप निगलेक्ट करते हो यंग सॉल्वेंट के कंपेयर में तभी जल्दी साल्व हो पाता है। तो ये क्वेश्चन बताने का रीजन केवल यही था कि अगर ऐसे क्वेश्चन है तो आप एक्सेस डायल्यूट लेकर ही लगाओगे, बाकी कुछ और निकालना होगा तो वैल्यू अप्रॉक्स निकलेगी फार्मूले से। बात समझ में आ रही है? जी, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी करता हूं। नेमिंग दे दिया ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता है, यहां पे बात समझिएगा 6% ग्लूकोज सॉल्यूशन का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब में अवलम्बन, जी हां, लोअरिंग वेपर प्रेशर ज्ञात कीजिए। जी क्या पूछ रहा है, गिवन क्या क्या डेटा है, 6% W/W है, डेंसिटी नहीं है क्योंकि अमाउंट दोनों का चाहिए, दैट मींस 6 ग्राम है ग्लूकोज कितने में 100 ग्राम वाटर में। जी सबका मॉलिक्यूलर वेट पता है क्योंकि ये पूछ रहा है, और आपको पता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर P0 कितना होगा 24 टार एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बताना क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यही तो है भाई। पास समझ में आ रही, 6% ग्लूकोज, 6 ग्राम ग्लूकोज है कितने में 100 ग्राम में, 6 ग्राम में 100 ग्राम में, रिलेटिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर को आपको निकालना है, और वाटर है, और वाटर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर कितना होता है पता है 24 टार। तो हम लोग सॉल्व करें इसको, तो फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ऐसे डायरेक्ट सॉल्यूशन वाला, वैल्यू अप्रॉक्स होगी कि जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्या डेल्टा पी अपॉन पी नॉट एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट, और मोल कैसे निकलता है अमाउंट में मॉलिक्यूलर वेट से क्या करो डिवाइड कर दो, मोल है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का अमाउंट लो और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो। डेल्टा पी की वैल्यू बतानी है, पी नॉट 24 टार, डब्ल्यू अमाउंट सॉल्वेंट का 6 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज है 180, सॉल्वेंट का 100, मॉलिक्यूलर वेट 18, सब तो पता है, इसको इरेज कर रहा हूं, पॉज करके नोट कर लो। डेल्टा पी फाइंड करना है, ये 24 है टार में है तो टार में आएगा क्योंकि मोल, मोल से कैंसिल होगा, ये कितना हो गया 6 ग्राम था, इसका मॉलिक्यूलर वेट 180 ग्राम, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है 6H12O6, ऐड कर लो और ये कितना था 100 ग्राम और H2O का मॉलिक्यूलर 80। समझ आ रही, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 6 अपॉन क्या आ गया 1000। समझ आ रही, तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ गई
6 × 24 = 1000 मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, और 1000 से डिवाइड करेंगे, डेल्टा पी कितना आ गया 0.144 टार या मिलीमीटर। इट हुआ, थोड़ा इंक कम लग रहा है, लॉकडाउन में कोई भी चीजें आप बाहर से ले नहीं पा रहे हैं, जो आपके पास है उसी संसाधन में आप काम चला रहे हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है, इसलिए पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, वीडियो वॉच करिए, नोट्स बनाइए, न्यूमेरिकल्स लगाइए। स्टूडेंट के लिए सुनहरा अवसर कर सकता हूं, अपने सेल्फ जर्नी टाइम को बढ़ाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर भी करिए। तो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट करते हैं, अब हम लोग किस सेकंड पर आते हैं, किस सेकंड, बहुत अच्छे अच्छे मीम्स भी बन रहे हैं। जी हाँ, घर में रहने पर बहुत सारे लोगों को काम करना आ जा रहा है, और काम करना उनकी मजबूरी भी बन जा रही है, तो आप लोग भी कुछ ना कुछ वर्क करते रहे, बात समझ में आ रही है जी। जी हाँ, अभी तो मैंने शुरुआत नहीं की है, लेकिन लग रहा है कि एक दो दिन में मैं भी कुछ ना कुछ बताने लगूंगा। आइए चलते हैं किस सेकंड पर, केस के पहला जो केस लिया था मैंने, उसमें क्या था, उसमें था कि सालुड जो हमारा है वो वोलेटाइल नहीं था, लेकिन अब हम सालुड को भी वोलेटाइल लेंगे। वोलेटाइल समझ रहे हैं जी, वे सालुड एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलाटाइल, दोनों में प्राइस हो रहे हैं जी, या दोनों वाष्पशील हैं, दोनों पेपर बनाएंगे, दोनों पेपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। आपको समझाता हूं, एक कंटेनर है, अभी पिछले वाले केस में क्या था, इस पर भी न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी में ये मैंने सॉल्वेंट लिया, और सॉल्वेंट हमारा मोल यहां एक्शन है, और ये भी वेपराइज हो सकता है, कंटेनर को मैं क्लोज ले लूं, क्योंकि ओपन कंटेनर हुआ तो उसका वेपर प्रेशर फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हो जाएगा, तो यह क्लोज कंटेनर कुछ इसके वेपर बने होंगे, यहां पर इसके वेपर मैं मान लूं, यहां पर किसके हैं, ये सॉल्वेंट के जो लिक्विड फेज में है, और यहां सॉल्वेंट के वेपर बने जो गैसेस फेज में है। इसमें सॉल्वेंट भी मिला दिया गया, तो जो यक्स यहां पे है मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्वेंट का, और ये भी वेपर बनेगा इसके भी, क्योंकि ये भी वोलाटाइल है, दोनों वोलाटाइल है। बात समझ में आ रही है, पिछले वाले कंटेनर क्लोज ही है, सॉल्वेंट में सॉल्वेंट में सॉल्वेंट को डिजॉल्व किया था, लेकिन सॉल्वेंट हमारा वोलाटाइल नहीं था, यहां वोलाटाइल है, लेकिन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कम है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जी हाँ वोलाटाइल है, लेकिन तो जैसे
इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही डाल दें, दोनों के पेपर बने, दोनों के लिक्विड फेज में मोल सॉल्यूट के यक्ष सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के यक्ष सॉल्वेंट और ऊपर मोल फ्रैक्शन जो है गैसीयस फेज में सॉल्यूट का यक्ष गैस सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यक्ष गैस सॉल्वेंट है। बात समझ आ रही है? यहां पर जो वेपर बना होगा किसका इस मिक्सचर में वह रियल से कुछ अलग होगा। जी हां, जैसे मैं अगर लिखना चाहूं राउल्ट के लॉ से कि सॉल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होगा, जितना ज्यादा सॉल्यूट इसमें घुटा होगा उतना ही ज्यादा वेपराइज हुआ होगा, उसका भी वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो जो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है वह सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा। जी हां, और ये प्रोपोर्शन का साइन हटाए तो ये प्रोपोर्शन का साइन हटाने पर यहां पर एक कांस्टेंट है वो भी सॉल्यूट का है। कब? जब ये प्योर हो तब, और ये कब? जब सॉल्यूशन में तब। पास समझ आ रही है? तो किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। कब? जब वो अकेले होता, सेम टेम्परेचर पे बात हो रही है। ऐसे ही अगर हम लोग कहें कि सॉल्वेंट का क्या होगा, सॉल्वेंट भी बोला चाहिए है, तो कहेंगे सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शन में होगा। अब प्रोपोर्शन के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट पी नॉट सॉल्वेंट है, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है लेकिन कब? जब वो प्योर होता है। और ये कब है? सॉल्यूशन है। अभी देखा जाए कि सेकेंड क्या लिया गया, दोनों बोला टाइप है, सॉल्यूट बोला टाइप और सॉल्वेंट बोला टाइप, और जब दोनों बोला टाइप है एक सॉल्यूशन बनाया गया जिसमें सॉल्यूट भी सॉल्वेंट दोनों को बोला गया, मिक्स किया गया, दोनों वेपराइज होंगे तो गैसीय फॉर्म में भी कुछ उनके मोल्स होंगे, इक्विलिब्रियम दोनों में आ जाएगा, तो लिक्विड फेज में सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन एक्स सॉल्यूट सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन एक्स सॉल्वेंट, वेपर बना वहां भी मिक्सचर होगा उसमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन एक्स डैश और सॉल्वेंट का एक्स डैश सॉल्वेंट। तो यहां दोनों के वेपर प्रेशर है, प्योर कुछ और अलग होंगे और सॉल्यूशन में कुछ और होंगे। तो सॉल्यूशन में कहूं कितना होगा सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, जितना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में होगा जितना ही ज्यादा वेपराइज होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर डालेगा। तो मिक्सचर में सॉल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। अब प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे तो क्या जाएगा, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या है? जी जब वो क्या हो, प्योर हो उस समय वेपर प्रेशर। और आपको पता है किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसी तरह से दूसरा कंपोनेंट हमारे पास कौन है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेपर बने उसका भी वेपर प्रेशर होगा, कितना होगा, जितना ज्यादा उसका मोल यहां होगा, इसलिए तो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शन में आ गया। यहां भी कांस्टेंट आया, क्या है ये? अरे उसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब वो क्या है, प्योर है एट सेम टेम्परेचर। जी हां, बात समझ में आ रही है? तो दिमाग में रखेंगे ये राउल्ट लॉ ही हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या क्या देखा गया, ये दोनों जो निकल रहे हैं ये किस लॉ से आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। अब आपके पास दो कंपोनेंट है, दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करने वाले नहीं है, दोनों गैसीयस फेज में है, दोनों अपना एक प्रेशर लगा रहे हैं, इन प्रेशर को क्या बोल सकते हैं? जी याद करो, आपने पढ़ा हुआ है क्या, एक डाल्टन का पार्शियल प्रेशर ला, तो क्या ये सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर हो गया, और ये किसका हो गया, सॉल्वेंट का,
और जितने भी कंपोनेंट हो सबके पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दो, क्या टोटल नहीं मिल जाता? टोटल मतलब सोल्यूशन। जी हाँ, अगर मुझे सोल्यूशन का पूरा प्रेशर चाहिए तो क्या लगाऊंगा? डाल्टन्स ला। डाल्टन्स का कौन सा ला? पार्शियल प्रेशर ला। तो हमें राउंड ला से क्या मिला? जो साल्वेंट का सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका भी प्रेशर पी नॉट सॉल्यूट इनटू एक्स सॉल्यूट, और साल्वेंट का पी नॉट साल्वेंट इनटू एक्स सॉल्वेंट। बात समझ आ रही? तो दो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, यानी मिक्सर में दो कंपोनेंट है, तो मिक्सर का क्या हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विलयन का क्या होगा? तो ये निकालेंगे हम लोग क्या, अकॉर्डिंग टू डाल्टन पार्शियल प्रेशर। और डाल्टन का पार्शियल प्रेशर ला क्या है? कि सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा, आपको पता है दो कंपोनेंट है सॉल्यूट और दूसरा क्या है साल्वेंट, इन दोनों के वेपर प्रेशर को ऐड कर दें क्या मिल जाएगा सॉल्यूशन का। यानी हमें वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चाहिए तो सॉल्यूट के और साल्वेंट दोनों के वेपर प्रेशर को ऐड करो, और ये क्या निकला पी नॉट सॉल्यूट इंटू यक्स सॉल्यूट, और ये क्या निकला पी नॉट सॉल्वेंट इंटू यक्स सॉल्यूट। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पर आते हैं। जी हां, फाइनली सॉल्यूशन दोनों थोड़ा टाइट है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और दोनों का वेपर प्रेशर स्टैंडर्ड फॉर, जब आप वो प्योर होते हैं तो पी नॉट सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट है, और मोल जो मिलाया गया सॉल्यूट का, मोल फ्रैक्शन ये सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन का क्या होगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। थोड़ा सा और हम देखते हैं, कंटेनर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिले हैं, लिक्विड में सॉल्यूट का मोल सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक्स सॉल्वेंट, वेपर में एक्स डैश सॉल्यूट है। जी हां, वेपर में एक्स डैश सॉल्वेंट है। इन पर भी क्वेश्चन बनते हैं जो वेपर फॉर्म में है, जैसे यहां पर बात करें कि एक्स डैश सॉल्यूट होगा कितना, कहेंगे x डैश सॉल्यूट प्रेशर कितना अप्लाई कर रहा है p सॉल्यूट। जी, कुल टोटल सॉल्यूशन का कितना है p सॉल्यूशन, बात समझ में आ रही है? और सॉल्यूट का की जगह इतना लिख सकते हैं p नॉट सॉल्यूट इंटू x सॉल्यूट अपॉन p सॉल्यूशन। जी हाँ, बात समझ आए? ऐसे अगर हम लोग एक्स डैश सॉल्वेंट यानी वेपर फॉर्म में गैसियस फॉर्म में
सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है? सॉल्वेंट का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर यानी सॉल्यूशन का प्रेशर। और सॉल्वेंट का प्रेशर क्या होगा? पी नॉट सॉल्वेंट यहां से इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन पी सॉल्यूशन। तो इस फार्मूले को माइंड में रखें और अभी इस पर भी चर्चा करता हूं जी। अब ध्यान देंगे कि एक्स डैश सॉल्यूट जी आई डैश है जो वेपर फॉर्म में सॉल्यूट के मोल हैं उनका मोल फ्रैक्शन है ये, और ये सॉल्वेंट का है। यहां से एक्स डैश सॉल्यूट ये ट्रांसफर कर दे रहे हैं अपान पी नॉट सॉल्यूट जी, ये गैसेस फॉर्म में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, और ये जब वो सॉल्यूट रियल हो, सॉल्यूट क्या हो, प्योर हो, किसी में डिजॉल्व ना होता, उसका वेपर प्रेशर और किसके बराबर हो गया, ये मिल गया या सॉल्यूट अपान पी सॉल्यूशन। ऐसे यहां देखें एक्स डैश सॉल्वेंट अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट, ये क्या है? ये गैसेस फॉर्म में मोल फ्रैक्शन है और ये सॉल्वेंट का जी हां प्रिपरेशन है। कब? जब वो क्या हो, जी मिक्स ना हो, जब वो क्या हो, प्योर हो, किसके बराबर होगा? यहां देखें एक्स सॉल्वेंट यानी मोल फ्रैक्शन कितना सॉल्यूशन में है अपॉन पी सॉल्यूशन। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों को ऐड कर दे तो एक और फार्मूला मिलता है। ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन गैसेस स्टेट में और ये सॉल्यूट का वेपर प्रेशर प्योर कंडीशन में, प्लस ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन गैसियस स्टेट में, दोनों को ऐड कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, और ये वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कब? जब प्योर है। एक्स सॉल्यूट ये मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में है, लिक्विड सॉल्यूशन में, और ये पी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और ये एक्स मोल फ्रैक्शन किसका है? सॉल्वेंट का लिक्विड में, और ये सॉल्यूशन का। यहां एलसीएम ले लो, सॉल्यूशन का मिला क्या वेपर प्रेशर। एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट दो ही कंपोनेंट हैं, और दोनों कंपोनेंट को ऐड कर दूं तो टोटल मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? भाई मोल एक नहीं, मोल फ्रैक्शन जी एक का ही तो भाग होता है, तो एक आ जाएगा टोटल पी सॉल्यूशन। यानी एक्स डैश सॉल्यूट ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का वेपर फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, और ये सॉल्यूट का वेपर प्रेशर जब हो, प्योर हो, मिला ना हो, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का गैसेस फॉर्म में, और ये वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का जब वो प्योर हो, दोनों को मिक्स कर दिया गया सॉल्यूशन में, कुल मोल तो एक ही होगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का कितना है पी प्रेशर पी सॉल्यूशन है, ये भी आपका फॉर्मूला हो गया। यानी देखें कि जब सॉल्यूट नार वोलेटाइल तो वो फॉर्मूला था, ये किसके लिए है? जब वोलेटाइल है, जी हाँ, अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा तो उसके वेपर प्रेशर या गैसेस फॉर्म उसके मोल फ्रैक्शन सब क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? वही केस फिर मिल जाएगा। तो ये केस सेकंड में हम लोग वॉच करें, नोट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट भी करें, जी हाँ, ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाए। तो केस सेकंड में जो फार्मूला मिला मिला, एक तो ये मिल गया कि पी सॉल्यूशन यानी कि दो कंपोनेंट है, दोनों पूरा टाइम है, तो जो मिक्सचर जो सॉल्यूशन से
का वेपर प्रेशर क्या होगा? तो यहां पर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन और उसका वेपर प्रेशर जब वो प्योर हो, प्लस दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन और उसका वेपर प्रेशर जब वो प्योर हो एट सेम टेम्परेचर। जी हां, ये एक फार्मूला है। एक फार्मूला ये मिला कि अगर वो वोलाटाइल है तो वेपर फॉर्म में होंगे, गैसियस फॉर्म में होंगे तो वहां मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो ये गैसियस फॉर्म में मोल फ्रैक्शन किसका? सारूप का। और यहां पर जब वो प्योर है तब उसका वेपर प्रेशर, और ये साल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फॉर्म, और ये साल्वेंट का वेपर प्रेशर जब वो प्योर है किसके इक्वल है? वन अपान सोल्यूशन के वेपर प्रेशर के। जी हाँ, इन दोनों फॉर्मूले के लिए यहां से गैसियस फॉर्म में मोल फ्रैक्शन निकालने का काम आ जाता है और यहां सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने का काम आ जाता है। बात समझ में आ रही है? ये तब लगेगा जब दोनों पोलर टाइल। जी हाँ, पुराने वाले फॉर्मूले आ जाएंगे। अगर सॉलिड नॉन वोलेटाइल हुआ तो गैसियस फॉर्म उसका मोल फ्रैक्शन जीरो, उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? जीरो। जी हाँ, पुराने फॉर्मूले आ जाएंगे। फिर बात समझ में आएगी? जी हाँ, ये स्पष्ट होगा। तो अब हम लोग इन केस पे कुछ न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं जिससे क्लियर हो। जी हाँ, क्वेश्चन है तले की दोनों बोला टाइम। क्वेश्चन फर्स्ट, बेंजीन, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। फार्मूला क्या होता है बेंजीन का, जरा बताओ। C6H6 में मिक्स कर रहा है टालुइन को, फार्मूला C6H5CH3। दोनों बोला टाइम है। इसका वेपर प्रेशर जो होता है बेंजीन का, वो 100 मिली का टार कर सकते हैं, और टालुइन का जो होता है प्योर केस में बता रहा 40 मिलीमीटर या 40 टार 100 मिलीमीटर या 100 टार भी कर ले, मिलीमीटर मरकरी के बराबर ही होता है का, या 40 टार यहां कह ले। जी, प्योर कंडीशन दे दिया है। और हम लोग बेंजीन और टालुइन मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर 100 ग्राम बेंजीन मिक्स कर रहे हैं 40 ग्राम टालुइन। जी हां, 100 ग्राम बेंजीन को 40 ग्राम टालुइन के साथ मिक्स कर रहे हैं। अमाउंट ज्यादा है, साल्वेंट हो गया, अमाउंट कम है, साल्वेंट हो गया, सॉल्यूशन बन गया। देन फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन को समझिए, बेंजीन जिसका फार्मूला माइंड में होना चाहिए C6H6, टालुइन जिसका फार्मूला C7H8 भी कर सकते हैं या C6H5 सिंगल बॉन्ड C3। और बेंजीन का अगर देखा जाए प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है? 100 एमएम मरकरी या 100 टार के बराबर। टालुइन का कितना है? 40 एमएम मरकरी या 40 टार के बराबर। और सॉल्यूशन जो बना रहे हो 100 ग्राम बेंजीन को 40 ग्राम टालुइन के साथ मिक्स करके बना रहे हैं, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा? इजी है, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या? जी हाँ, माइंड रखना होगा कि जब दोनों वोलेटाइल हो, क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर हमें गिवन है, तो पी सॉल्यूशन क्या होगा? पी नॉट सॉल्यूट
इनटू एक्स यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट प्लस पी नॉट सॉल्वेंट। ये क्या होता पी नॉट जी जब प्योर होता था उसका वेपर प्रेशर इनटू एक्स सॉल्ट, ये तो पता है। अब देखो पी नॉट तो गिवन है, सॉल्वेंट ये है सॉल्वेंट टॉल्विन है तो गिवन है, सॉल्वेंट बेंजीन है तो भी गिवन है, मोल फ्रैक्शन भी निकल जाएगा जो अमाउंट पता है और फार्मूला पता है तो मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। तो हम लोग क्या निकालना चाहिए पहले मोल, अगर मोल निकाले क्वेश्चन को आप लोग नोट कर ले ये फार्मूला अप्लाई होगा और हम लोग क्या निकालने वाले अब है बेंजीन मोल्स, मोल्स निकालने के लिए अमाउंट चाहिए 100 ग्राम बेंजीन है 40 ग्राम टॉल्विन है और इसका वेपर प्रेशर बेंजीन का 100 टॉर है और टॉल्विन का 40 टॉर है जी। अब ध्यान मोल बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो बेंजीन का मोल अपॉन बेंजीन प्लस टॉल्विन ठीक होगा। तो बेंजीन के मोल्स कैसे निकलेंगे, बेंजीन का अमाउंट, अब बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट अमाउंट कितना था 100 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट C6H6 तो 12 × 72 = 82 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो गया 100 × 82 ये हुआ। टॉल्विन का क्या हो जाएगा जरा बताओ, टॉल्विन का अमाउंट अपॉन टॉल्विन का मॉलिक्यूलर वेट कितना था 40 ग्राम अमाउंट और मॉलिक्यूलर वेट C7H8 जी हां तो 12 × 84 और 8 × 84 = 92 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 92 ग्राम 92 ग्राम ये आ गया 40 upon 92। तो ये मोल आ गया टॉल्विन के जी हाँ मोल आ गया बेंजीन के तो मोल फ्रैक्शन ही बेंजीन का निकल जाएगा और टॉल्विन का भी निकल जाएगा यहां रख देंगे और ये पता ही है सॉल्यूशन का निकल जाएगा जी। तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का, बेंजीन का 100 upon 82 बेंजीन का 100 upon 82 सॉल्व आप लोग कर लेंगे, टॉल्विन का 40 upon 92 ऐसे और टॉल्विन का मोल फ्रैक्शन तो टॉल्विन का मोल अपॉन बेंजीन का मोल प्लस टॉल्विन का मोल। तो यहां पर देखो टॉल्विन का मोल 40 upon या एक में से घटा दे तो मिल जाएगा हमें टॉल्विन का, क्योंकि दोनों कंपोनेंट को जोड़ते हो तो कुल टोटल मोल फ्रैक्शन एक ही होगा। यहां पे 100 upon 82 और 40 upon 92 ये निकल गया और पी नॉट बेंजीन 100 टॉर ये पता है और पी नॉट टॉल्विन 40 टॉर ये पता है सोल्यूशन का नहीं निकल जाएगा टाइट फार्मूले में रख देंगे नोट कर ले मैनेज कर रहा हूं। जी हाँ सोल्यूशन का निकालना तो फार्मूला हमारे पास है पी नॉट सॉल्यूट इंटू एक्स सॉल्यूट प्लस पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सॉल्वेंट। पी नॉट सॉल्यूट कितना है 100 टॉर और एक्स सॉल्यूट कितना है ये बेंजीन कौन सॉल्यूट है जी हाँ पी नॉट सॉल्यूट टॉल्विन है 40 टॉर और एक्स सॉल्यूट टॉल्विन है 40 upon 92 100 upon 82 40 upon 92 सॉल्वेंट यानी बेंजीन 100 टॉर था उसका और उसका मोल फ्रैक्शन 100 upon 82 प्लस 40 upon 92 ये गुणा भाग है कर लेंगे टॉर में आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन का। समझ आ गई कहीं दिक्कत हो जरूर कमेंट करें
समझ में ना आए वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर देख लिया करें। जी हाँ, और कहीं फिर दिक्कत हो जरूर कमेंट करें। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चन होते दोनों बोला कहे थे। बात समझ आ रही है? बोला कहे थे यहां पर वेबर स्टेट में भी मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कह देता है। ऐसे कह दे फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन गैसियस फेज। जी हाँ, गैसियस फेज में अगर बेंजीन का मोल चाहिए तो क्या होगा? टोटल मोल फ्रैक्शन एक ही होता है। आपको पता है एक्स डैश, यहां मैं लिखूंगा बेंजीन, तो पी नॉट बेंजीन आएगा। एक्स डैश टॉलुइन लिखूंगा तो पी नॉट टॉलुइन आ जाएगा। ये साल्वेंट, ये सॉल्यूट, तो आपको पता है वन अपॉन पी सॉल्यूशन। यहां से पी सॉल्यूशन निकल गया और बेंजीन का फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज में। ये पता था 100 है और आपको पता दोनों मोल मिलाओगे तो एक ही होगा, तो ये 1 माइनस एक्स डैश बेंजीन हो जाएगा। और ये आपको पता 40 है और ये यहां से साल्व करके निकल जाएगा, तो क्या आप एक्स डैश बेंजीन नहीं निकालेंगे? बात समझ आ रही है? इस तरह से गैसियस फेज में भी मोल फ्रैक्शन पूछ लेता है। बात समझ आ रही है? जी हाँ, वीडियो को देखें, ऐसे क्वेश्चंस लगाएं, नोट्स बनाएं, जो भी प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में हो। जी हाँ, अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 3 प्रॉपर्टी और है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही थी। इसके बाद 2 इसी पे डिपेंडेंट है और 1 ऑस्मोटिक प्रेशर। जी हाँ, तो उनको खत्म करने के बाद न्यूमेरिकल पे आएंगे और एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स कराएंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो वीडियो को वॉच करने के बाद अगर दिक्कत हो दोबारा वॉच करो, फिर भी प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट करो। जी हाँ, पसंद आने पे शेयर भी करो, नहीं पसंद आने पे कमेंट करो क्या रीजन है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है। बात समझ रही है? जी कंप्लीट है ये, बोर्ड के न्यूमेरिकल एक भी नहीं फंसेंगे और जेई मेंस भी क्लियर होगा। अगर नीट के स्टूडेंट हो तो नीट भी क्लियर होगा, प्रॉब्लम सारे उसके भी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अलग अलग नहीं होते, एक ही कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट जो सही है वही दोनों जगह अप्लाई होगा, आधे अधूरे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो बोर्ड भी क्लियर नहीं होगा। ओके, थैंक यू।